राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती पर प्रदेश कांग्रेस के कर्मचारी संघ द्वारा एक अनोखा श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया। आज सुबह महात्मा गांधी के जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि देने के साथ ही प्रदेश कांग्रेस के कार्यकर्ता संगठन की ओर से एक अनोखे कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कोलकाता शहर में डेंगू का प्रकोप बढ़ता जा रहा है और एक के बाद एक लोगों की मौत भी होती जा रही है। ऐसे में प्रदेश कांग्रेस ने कोलकाता नगर निगम और राज्य सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। इसके विरोध में आज महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर उनके स्वच्छ भारत के सपने को साकार करने के लिए इस बार महात्मा गांधी ने सज धज कर डेंगू प्रभावित लोगों में उनके साथ प्रचार अभियान चलाया। कांग्रेस के श्रमिक संघ के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने संगठन के अध्यक्ष प्रमाद पांडे के नेतृत्व में इस दिन कोलकाता शहर के विभिन्न इलाकों में अनोखा विरोध कार्यक्रम आयोजित किया। उनके मुताबिक कोलकाता शहर में डेंगू के मामलों की संख्या बढ़ रही है, लेकिन देश में सबसे बड़े डेंगू का जिम्मेदार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है। देश की जनता को जल्द से जल्द सबसे बड़े डेंगू से बचाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से गांधी जी के आदर्शों पर चलते हुए आने वाले दिनों में भाजपा के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार को सत्ता से बाहर करने का आह्वान किया है। अपना जानें आज के महात्मा गांधी जन्मदिन वार्षिक पालन कर लोदल पक्ष आज के दिन बेचे निल गांधीजी जान अपा जखनी भारतवर्षे को विपद आपदा हो गांधीजी समाज सेवार जन तत्पर हो गए मानुषे सेवा करारे ओजन आज के गांधीजी निजे स्वयं घोड़ा तले ने आज के जे डेंगू महामारी चलते और पुजोते और डेंगू है बारान्त है जेटा स्वास्थ्य दफ्तर बोले वही मानुष के सचेतन और सरकार आगा कर आपनी सचेतन हन और डेंगू जन ना हो आरो कीटनाशक आरो परिसेवा परिच्छन्न हो गई खाने केएमसी के जानानो होच्छे जुने गांधीजी ने समाज सेवा करे आज के मशा तेल निजे दिच्छेन पुजो आमादेर शारदीय भालो हो एई निये गांधीजी आज के गांधीजी जन्मदिने निभे गेछेन समाज सेवा करते। प्रमोद पांडे आईएनडीसी सेवा दलेर सभापति।